सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फॉक्स और डिज्नी की डील के बारे में कि असल में क्या हुआ है, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया है फॉक्स और डिज्नी की डील के बारे में, लेकिन अब कुछ खबर ये आई है कि शायद डिज्नी और फॉक्स की डील ऑलमोस्ट हो चुकी है, जिसके बारे में हमें वेडनेसडे तक जरूर पता चल जाएगा कि असल में इन दोनों कंपनीज के बीच में डील क्या हुई है। क्या डिज्नी ने फॉक्स की पूरी कंपनी को खरीद लिया है या फिर सिर्फ उसने मार्वल के कैरेक्टर्स के राइट रिटर्न लिए है, जैसे कि एक्समैन और फैंटास्टिक फोर। हालांकि ये बात सबको पता है कि फैंटास्टिक फोर के राइट एमसीयू के पास वापस आ गए हैं, लेकिन कंफर्मेशन ये नहीं थी कि डिज्नी के पास एक्समैन के राइट्स है या नहीं। तो हमें इस बात के बारे में वेडनेसडे तक जरूर पता चल जाएगा कि असल में इनकी डील में हुआ क्या है। और वही बात करें हमारे क्रिस इवान यानी कैप्टन अमेरिका की, तो उन्होंने एक फनी ट्वीट किया था जिससे कि उन्होंने बताया था कि अगर इन दोनों कंपनीज की डील हो गई तो मैं फिर से ह्यूमन टॉर्च का रोल नहीं करने वाला, क्योंकि वो एक बहुत ही बेकार रोल था। हाँ, उसमें अपना ही मजा था, लेकिन वो रोल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और वही बात करें हमारे डेडपूल के बारे में, तो उन्होंने भी कुछ फनी ट्वीट किया था इन दोनों कंपनीज को लेकर। उन्होंने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि वो डेडपूल और मिकी माउस की रिलेशनशिप के बारे में लोगों को बता दे। तो जैसे जैसे टाइम खत्म हो रहा है, तो ये बात काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है कि क्या डिज्नी ने फॉक्स कंपनी को खरीद लिया है या नहीं। मुझे लगता है कि हाँ, कंफर्म डिज्नी ने खरीद लिया है, क्योंकि अगर डिज्नी फॉक्स कंपनी को नहीं खरीदता तो बैंक को ये जरूरत नहीं पड़ती कि वो आकर पब्लिक प्रेस में फॉक्स कंपनी का बजट बता देती कि फॉक्स ने बजट कितना रखा है डिज्नी के सामने। और बैंक ने आकर ये भी बताया कि बजट पूरे 16 बिलियन है, जो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी रकम होती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।